ईद मुबारक। ईद मुबारक। सर आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। पहले आपको ईद मुबारक प्रैक्टिकल खबर की तरफ से। तो आज का जो आप लोग का ईद है इसके बारे में दो शब्द समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और आपका परिचय। मैं मुफ्ती अब्दुल करीम कासमी, मैं जामा मस्जिद चंपासारी के इमाम साहब हूँ। मैं आज ईद के मौके पर तमाम मिल्लत को ईद सईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ और का ये पैगाम मैं तमाम आदमियों को ये देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस ईद के ज़रिए से इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होनी चाहिए, आपस में मेल जोल मोहब्बत आपसी शांति प्रेम से हमें ज़िंदगी गुजारने का हमारा ये ईद पैगाम देता है। सबको सबक देता है कि हर एक दूसरे के खैरख्वाह बने, हमदर्द बने, ही हमारी ईद से पैगाम है सब लोगों को। 30 दिन अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों के ऊपर रोज़ा पड़ती है, रोज़ा रखना पड़ता है। रोज़ा क्या है मैं आपको बताता हूँ कि सुबह से लेकर के शाम तक अपने आप को खाने पीने और ख्वाहिशात से रुकना है, फिर शाम के बाद सुबह तक रात में खा सकते हैं। ये एक महीना अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे ऊपर क्या रोज़ा फ़र्ज किया गया। जब एक महीना हम रोज़ा पूरा कर लेते हैं तो ईद का दिन यानी खुशी का दिन है, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इनाम दिया जाता है। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसको आदमी क्या करता है, इनाम देता है, तोहफा देता है, गिफ्ट देता है। तो ऐसे ही रमज़ान ख़त्म होने के ऊपर ये जो ईद का दिन है ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इनाम और गिफ्ट देने का दिन है। अल्लाह इसमें हमें इनाम देते हैं, गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, बख्शिश करते हैं। मैसेज आज के दिन ईद की आपको, पूरे समाज को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में मोहब्बत चैन सुकून और शांति से अपने मुल्क के अंदर जिए, अमन हो, कायम रहे।